हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 273। ये संडे टेक न्यूज़ है, तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने पूछा था कौन से स्क्रीन साइज के फोन आप लेना पसंद करते हैं, तो हमें नियरबोर्ड में 8600 प्लस वोट्स आए हैं, जिसमें 64% लोग कहते हैं बिग डिस्प्ले, तो भाई मेरे भाई लोग ही हैं ये लोग। 19% लोग स्मॉल स्क्रीन साइज और 17% नो इशू, कोई भी साइज चलेगा। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ बिग स्क्रीन फोन्स, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं छोटे स्क्रीन से। तो शुरू करते हैं देश दुनिया की बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज़। तो पहली न्यूज़ की बात की जाए तो वीवो V20 SE की कुछ पिक्चर सामने आई है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बस प्रोसेसर और प्राइस थोड़ा बढ़िया हो जाए तो ही कमाल करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो हुआवे का सर्च इंजन पेटल जल्दी लॉन्च हो जाएगा, शायद हुआवे मेट 40 सीरीज़ के साथ ये लॉन्च करेंगे और देखते हैं क्या कमाल करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो iPhone 12 सपोर्ट करेगा मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग। एक वीडियो सामने आई है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देखते हैं अक्टूबर में क्या कमाल करते हैं आईफोन वाले। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो एप्पल बायोनिक A14 15 सितंबर को लॉन्च हो सकता है, और देखते हैं इस बार क्या स्पेशल होता है इस चिपसेट में। एक तो 5nm पे आएगा, 5G होगा, और देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Amazfit GTR2 वॉच ब्लूटूथ सर्टिफिकेट में आ चुकी है, जल्दी लॉन्च भी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो गूगल डुओ, जी हाँ, एंड्रॉयड टीवी पे भी अवेलेबल हो जाएगा और आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड टीवी के थ्रू। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग S21 में कह रहे हैं अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन नहीं होगा, इसमें पंच होल हो सकता है या फिर पंच होल ही होगा। तो मोस्टली कंपनीज Q4 मतलब नेक्स्ट मंथ के बाद से अंडर डिस्प्ले कैमरा फोर्स लाने पे कोशिश करेंगे, मगर सैमसंग अभी थोड़ा स्लो है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो रियलमी का पेटेंट एक सामने आया है बॉल पेन का, जी हाँ, ये पेन भी बनाएंगे अभी शाओमी का भी। वैसे शाओमी भी चाइना में तो पेन बनाता है, 100 रुपये के 10 मिल जाते हैं, मतलब 100 युआन के 10 पेन मिलते हैं, तो अब रियलमी भी उसी लाइन में जा रहा है, काफ़ी IoT प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Redmi Note 10 सीरीज़ का हायर वेरिएंट होगा या प्रो हो सकता है, उसमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको मिल सकता है और सितंबर एंड या फिर ये अक्टूबर के बिगनिंग में लॉन्च हो सकती है सीरीज़। रियली एक्साइटेड हूँ, होपफुली इंडिया में भी आए। MediaTek Dimensity 820 मिलेगा इसमें, और जो लोअर वेरिएंट होगा उसमें MediaTek Dimensity 720 कह रहे हैं, 5G वाला प्रोसेसर। देखते हैं क्या कमाल करता है Redmi Note 10। इंडिया में तो Redmi Note 9 मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं आई। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Mi 10T Pro की कुछ स्पेक सामने आई है। अभिषेक यादव जी ने पोस्ट किया था ट्विटर पे, तो हमने पता कर ली, हम भी बता देते हैं। 6.67 इंच की IPS LCD Full HD डिस्प्ले होगी विद 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 865, 8GB रैम, 128GB और 256GB स्टोरेज मिलेगी, 108 मेगापिक्सल कैमरा प्लस 20 प्लस 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का, 5000mAh की बैटरी होगी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर MIUI 12 के साथ आएगा। इस महीने के एंड तक ये लॉन्च हो सकती है सीरीज, अक्टूबर तक भी जा सकती है और इंडिया आने के चांसेस भी हैं सीरीज के। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो वन प्लस का एक नाइफ, जी हाँ, स्पेशल एडिशन आ सकता है, पिक्चर डाली है वन प्लस एक्स विक्टोरियस, तो देखते हैं क्या कमाल करता है इस नाइफ में। मेरे हिसाब से कुछ स्पेशल गिफ्ट्स होंगे या कुछ ऐसा कुछ कर सकता है वन प्लस। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो वन प्लस 8T BIS सर्टिफिकेट में आ चुकी है, तो मतलब इंडिया में जल्दी लॉन्च हो सकता है। वन प्लस 8T Pro नहीं आया, ये डाउट है आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ वन प्लस 8T Pro की ही है। वन प्लस 8T Pro की स्पेक्स और कुछ स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, कह रहे हैं इसमें स्नैपड्रैगन 865 प्लस मिल सकता है, 48+48+16+5 मेगापिक्सल का कैमरा, तो एंड्रॉयड 11 के साथ आएगा। स्पेक्स देखा जाए तो लगता है शायद फेक भी हो सकती हैं, कुछ कह नहीं सकते, अपकमिंग डेज में हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो शाओमी माओ शियांग, ये मी शेयर है जो इन्होंने मी 10 अल्ट्रा के टाइम लॉन्च किया था, इससे आप अपने फ़ोन को टीवी, स्मार्ट स्पीकर, वॉचेस और काफ़ी IoT प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ कर सकोगे, लिंक कर सकोगे और शेयर कर सकोगे। इसमें आपको सिर्फ एक मी शाओमी का फ़ोन चाहिए और मेन पर्पस होगा आपका लैपटॉप या कंप्यूटर से यूज़ करने का, और कोई भी विंडो कंप्यूटर हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। हुआवे शेयर भी है, मगर उसमें आपको हुआवे का फ़ोन और हुआवे का लैपटॉप चाहिए। शाओमी का काफ़ी बेटर लगा, एक शाओमी का फ़ोन चाहिए, लैपटॉप किसी कंपनी का भी हो, विंडो वाला होना चाहिए तो करेंगे। बेटा वर्जन चल रहा है इसका चाइना में, और विंटर्स में इन्होंने कहा है कि लॉन्च कर देंगे, तो मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर में आ सकता है और ग्लोबली भी जल्दी ला सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो शाओमी CC10 Pro
क्या नहीं, इसमें स्नैपड्रैगन 768G हो सकता है अक्टूबर एंड या नवंबर में आ सकता है। CC9 Pro लास्ट ईयर स्नैपड्रैगन 730G के साथ चाइना में नवंबर में लॉन्च हुआ था, फर्स्ट वीक में मैंने उसकी अनबॉक्सिंग फर्स्ट डे की थी जिस दिन लॉन्च हुआ था चाइना से। तो देखते हैं ये क्या कमाल करता है। उसमें तो था 108 मेगापिक्सल का कैमरा, पहला फ़ोन बन गया था वो, और इस बार देखते हैं क्या कमाल करता है CC10 Pro। लास्ट न्यूज़ की बात की जाए तो पोको X3, जी हाँ पोको X3 नियर 25 सितंबर को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ। जो ग्लोबली अभी यूरोप में लॉन्च हुआ था उससे थोड़ा चेंजेस होगा, शायद बैटरी बूटरी चेंज कर सकते हैं, और 25 तारीख के पास इंफॉर्मेशन है ये लॉन्च कर सकते हैं। तो भाई पोको X3 आ रहा है तो आपको क्या उसकी एक्साइटमेंट है? Realme 7 Pro, Realme 7 और Samsung M21, Samsung M51 को टक्कर देने के लिए Poco X3 आ रहा है। क्या आप एक्साइटेड हो अगर इंडिया में ये 17,000 से 18,000 के बीच में लॉन्च होता है? तो आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। तो आज का पोल रख लेते हैं, Redmi Band, क्या आप Redmi Band का मेरे से रिव्यू चाहते हो? क्योंकि मैं Mi Band 5 की अनबॉक्सिंग आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा, मैंने वो मंगवाया है स्पेशली, तो इनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर आप Redmi Band की चाहते हैं मैं रिव्यू करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे कम्युनिटी सेक्शन में पोल में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।